गरुड़ पुराण के अनुसार ये पांच आदतें घर में लाती है दरिद्रता। गरुड़ पुराण शास्त्र में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत का वर्णन है। गरुड़ पुराण विष्णु पुराण का एक हिस्सा है, जिसमें हिंदू धर्म के मृत्यु, पुनर्जन्म और अंतिम संस्कार से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने ये भी बताया है कि वे कौन से कर्म हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। तो आइए जानते हैं कि जीवन में किन बुरी आदतों को अपनाने से आती है दरिद्रता। एक, शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को कभी भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं रहती है। ये आदत आपको आलसी भी बनाती है, साथ ही जीवन की सुख समृद्धि में बाधा बनती है। दो, गरुड़ पुराण में कहा गया है अगर कोई व्यक्ति हर समय गंदे और मैले वस्त्र पहना रहता है तो माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद पसंद है और वो उसी घर में वास करती है जहाँ स्वच्छता बनी रहती है। तीन, कठोर बोलने वाले धीरे धीरे सभी से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से संपर्क में कोई नहीं रहना चाहता है, साथ ही जिनकी बोली में मिठास नहीं होती उनके पास माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती, इसलिए छोटी छोटी बातों पर चीखने चिल्लाने की आदत को छोड़ देना चाहिए। ये आदत घर पर भी कलह क्लेश का कारण बनती है। चार, घर की दरिद्रता का अहम कारण है पति पत्नी के बीच झगड़ा होना। जिस घर पर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है वहाँ कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है। अगर आप लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को अपमानजनक शब्द कह देते हैं तो ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी तनिक देर भी नहीं ठहरती है। पांच, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि रात्रि भोजन के बाद गंदे बर्तन नहीं रखे जाने चाहिए। ऐसा करने से गृह दोष का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही लंबे समय तक ऐसा करने से लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।